मतलब हम खुद एक शिक्षिका थे, तो उस अपने शिक्षिका में जो 150 बच्चों को आश्रम में संचालित करते हुए, उन बच्चों को, पूरे आदिवासी बच्चे थे, उनको हम पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। तो इसमें मतलब इस तरह से मुझे क्यों अरेस्ट करके लाएगा, क्या क्या कारण से, किस बेस पे लाए? वैसे और भी आदिवासियों को इसी तरह पर्ची कैसे बना बना के लाया जा रहा है और जेलों में रखा जा रहा है। आठ दिसंबर को एक हैदराबाद में मानव अधिकार संगठन द्वारा कार्यक्रम रखा गया था 10-11 तारीख को। तो वहाँ भाग लेने 8 दिसंबर को मैं हटिया स्टेशन गाड़ी पकड़ने के लिए गई थी। हम लोग को नहीं समझ रहा हम लोग को गिरफ्तार कर रहा है ना क्या, ये पता नहीं चला। जब यह मोबाइल हम लोग से ले लिया तब हम लोग को पता चला कि इन लोग हम लोग को गिरफ्तार कर रहा है या कुछ हम लोग के साथ हो रहा है। आपने छत्तीसगढ़ में सुना होगा एक सलवा जुड़ूम अभियान, जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार, अत्याचार और बलात्कार जैसे मामले सामने आए हैं। इस मुद्दे पे ज़्यादातर परेशान, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये चलाया गया अभियान है और प्रशासन ये चाहेगी कि मुद्दे कभी बाहर ना हो, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं चुप के या उसको छुपा के क्यों रखूं, मैं खुलकर कहना चाहता हूं। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे ये बोलकर लिया गया है कि नहीं, आपको DIG साहब कल्लूरी और SP साहब बात करना चाहते हैं, आप चलिए। रात भर मुझे टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया, पूरे चमड़ी के काल उतार दिए गए, रस्सी से पकड़ा और उल्टे टांग में लटका दिया गया, फिर मिर्च का धुआँ दिया गया। तो उसके बाद मैं 12-1 बजे तक मैं बेहोश हो गया। में तो इन्होंने ये बोला कि तुम SPO बन जाओ और लोगों को मारो, मैंने उसका इनकार किया। सारे